So, hi everyone, welcome to my channel. I'm Chandra, and first of all, wishing you a very happy International Women's Day, and me too for all the women, Nari Shakti. And you're doing great, girls. I'm proud of you, and me as well. So, आज का वीडियो जो एक्चुअली मैं अभी इसीलिए शूट कर रही हूँ, रिसेंटली मैं इतना सारा DM मुझे मिला है रिगार्डिंग कि हमें ABC ज्वाइन करना है या JS Spider ज्वाइन करना है या बेसन टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना है. ओके, सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मेरा क्या एग्जैक्टली रिव्यू है तीनों इंस्टीट्यूट को लेके और क्या ज्वाइन करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज ओनली माई रिव्यू. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू ज्वाइन ओनली JS Spider, ओनली ABC, एंड ऑल्सो आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी इंस्टीट्यूट. ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माई जेन्युइन रिव्यूज विद यू, ताकि एज अ ह्यूमन बींग तुम्हें पता चल पाए कि दूसरा क्या सोच रहा है अगर वो जा रहा है किसी इंस्टीट्यूट में, उसका क्या रिव्यू है, ताकि उस माइंड सेट के हिसाब से ना आप एक जेन्युइन और एक अच्छा डिसीजन मेक कर पाओ. सो देखो, मैं यहाँ जनरली आई थी तो चार मैं जो इंस्टीट्यूट था वो मैंने प्रायोरिटी पर रखे थे, JS Spider, ABC, देन एप्ट्रॉन एंड बेसन टेक्नोलॉजी. ओके, या रिव्यू देख के JS Spider ही हमेशा मेरा प्रायोरिटी पर रहा, अभी भी है. बट ABC में क्या अच्छा है, ऐसा नहीं ABC ख़राब है, ABC अच्छा है, कैन गो फॉर दैट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द JS Spider. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि JS Spider का सिनेरियो है, वो स्टार्टिंग में आपको 3-4 डे का डेमो देंगे. आप डेमो जाओ, डेमो में पढ़ो, आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन करो. पेमेंट देखो, पेमेंट JS Spider अभी ले रहा है, अभी 34 हो गया, 34,950. सो यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट हाफ, देन नेक्स्ट मंथ अनदर जो रेस्ट आपका बचा है. ठीक है, ये है. प्लस वो मॉक इंटरव्यू आपका करवा रहे हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए प्रैक्टिस होता है, प्रेजेंटेशंस भी वो करवाते हैं. ठीक है, एवरी सैटरडे और 2 हफ्ते बाद विद इन 2 वीक्स एक मॉक टेस्ट होता है. ओके, और वो पढ़ाते हैं SQL, JavaScript एंड कोर जावा प्रोग्रामिंग, APTI, Node.js, React.js एंड मैनी मोर, J2EE, फुल स्टैक. तो ये सारा ओवरऑल जो आता है आपका फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट कोर्स में जो है आपका JS Spider में, क्लियर. और देखो, बताओ स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक क्लास में कम से कम 250 से 300 बच्चा बैठता है, और एज़ पर माय एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना JS Spider के साथ, लाइक जेन्युइन है. इफ़ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ ना कि आई कैन डू, इफ़ आई लर्न समथिंग सो डेफिनेटली यू विल डू समथिंग बेटर देन बिफोर. तो वही सिनेरियो मेरा था. या एक जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा था JS Spider में, दैट इज़ कि दे टोल्ड मी इफ़ यू आर फ्रॉम BCA बैकग्राउंड सो यू हैव टू चूज टेस्टिंग, बिकॉज इन फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी आता है, सो यू कैन स्विच. बट आई ऑलरेडी मेक माई डिसीजन ना कि इफ आई वॉन्ट टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, सो हाउ कैन आई गो फॉर टेस्टिंग, ज़बरदस्ती नहीं है. सो इट्स ओके, वो जस्ट फॉर माई कॉन्वीनियंस कि आपको अगर प्लेसमेंट ही चाहिए तो टेस्टिंग का अच्छा प्लेसमेंट है अगर आप BCA से हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज आर डिमांडिंग BTech, BTech from any branch, mechanical, electrical, anything, but not demanding for BCA, MCA, बहुत कम मांगती है. दे टोल्ड मी ओनली 10-20%, दैट्स इट. तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके, सो somehow आई कॉम्प्रोमाइज दैट थिंग कि हो जाएगा, इट्स ओके. और सेकेंड थिंग देखो, डेली टू डेली ड्राइव आ रही, क्योंकि अब तो मैं क्लासेस जेन्युइन ले रही हूँ तो डेली ड्राइव आता है. अगर आप एलिजिबल हो तो जाओ, नहीं हो तो वेट करो अपने चांस का, और विद इन 1.5 or 2 months इतना कैपेबल हो जाओगे JS Spider से कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए बैठ पाओ. ओके, दिस इज़ फॉर JS Spider. और Q Spider लाइक टेस्टिंग सेम सिनेरियो है दोनों का, बस थोड़ा सा जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, 50% को सेम होता है. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर ABC. देखो, ABC का जो सिनेरियो है वो ठीक है, ख़राब नहीं है. ABC का मैं डेमो भी ली हूँ, इट्स गुड, सही था. बट मेरा जो मेन फोकस था JS Spider, जस्ट बिकॉज कि मैं पहले बता, देखो ABC का जो थोड़ा प्रोसीजर है ना वो लंबा है. मैं आपको बताती हूँ क्या लंबा है प्रोसीजर. लाइक अगर आप वहाँ जा रहे हो फॉर द ट्रेनिंग एंड जस्ट फॉर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो वो पे वो ऑफर करेंगे आपको 50,000. और वहीं पर ABC आपको अगर 50,000 पे करने को बोल रहा है, और JS Spider आपको बोलेगा 30,000 या 34,000. ठीक है, तमाम यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हिट करा. सेकेंड थिंग, जॉब का अगर आपको गारंटीड प्लेसमेंट चाहिए तो 75,000 यू हैव टू पे. आप 75,000 पे करोगे वो आपको बिल्कुल एक जॉब देंगे, और दे रहे हैं ऐसा है. बट देखो क्या है कि मैंने कुछ के रिव्यू सुने कि वो 75,000 आपको जॉब देंगे, बट वो ये कमिट नहीं करते वो आपको MNCs ही देंगे, कि आपका पैकेज इतना ही होगा. वो किसी स्टार्टअप में भी आपको रख सकते हैं,
रिफंड पॉलिसी उनके पास है, बट अभी रिफंड पॉलिसी का फंडा क्या है, देखो रिफंड पॉलिसी में क्या देगा वो आपको, मान लो आप प्लेसमेंट दिया आप नहीं हो रहे हो, आपका परसेंटेज भी 90% है अटेंडेंस का, अगर अटेंडेंस 90% है, रेगुलर क्लासेस आ रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, तो उसके बाद ही जा कर के रिफंड मिलेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट रिफंड। अगर आप अपना यार छः से सात महीना लगा रहे हो, उसके बाद आप क्या सोचते हो कि आप रिफंड लेके दूसरी जगह ज्वाइन करोगे, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड आइडिया। कुछ ऐसा ज्वाइन करो ना जहाँ 4-5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो और आपको अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो वो रिफंड पॉलिसी तो यार गाइस ऐसा है कि हाँ रिफंड मिलेगा जस्ट बिकॉज के प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट मुझे नहीं लगता नोबडी हैव टाइम टू स्पेंड टू मच, लाइक 1 ईयर आप अपना इन्वेस्ट करो वहाँ पे, जैसे कि 1 ईयर तक हम पूरा फुल गाइडेंस देंगे आपको, फिर भी नहीं होता है प्लस हम 90% अबव हो तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे रिफंड। रिफंड के भी बहुत ज़्यादा लफड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता, देखो आफ्टर ऑल ना सम हाउ यू एवरी वन नो कि सम हाउ ये एक बिजनेस ही है हर किसी के लिए, तो कोई क्यों आपको पेमेंट रिफंड करेगा। ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है और ये मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई हमें पैसा वापस करने वाला है। सो डोंट टेक इट सीरियसली कि आप अपना 5-6 महीना लगाओगे फिर रिफंड ले लोगे और दूसरी जगह जाओगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, सो डोंट गो फॉर दैट। और इसमें जो है देखो आपको साल भर तक वो असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, कोर्स जो है वो है 5 to 6 month का। नॉर्मल अगर आपको कोर्स लेना है तो यू हैव टू पे 50,000, अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल गारंटीड प्लेसमेंट चाहिए तो आपको 75,000। यहाँ पे आप जो पेमेंट है EMI पे कर सकते हो, EMI पे भी तब करोगे देखो जब उसके पीछे एक रीज़न है, EMI पे आप कर सकते हो, पर EMI पे करने के लिए सबसे पहले आपको 800 रुपीज़ वहाँ पे करने हैं, ठीक है, ताकि उन्होंने बताया था कि वो कुछ आपके थ्रू एक लोन लेते हैं तो वो 800 रुपीज़ वहाँ पे करने पड़ते हैं किसी बैंक के थ्रू। देन क्या होगा, जो भी आप पेमेंट करोगे ना वो सारा EMI पे जाएगा, आप साल भर तक EMI दो 12 महीने की आराम से, बट EMI भी आप नहीं दे सकते अगर आपकी फैमिली से कोई भी जॉब कर रहा है और उसका पे स्लिप है, तभी वो एलिजिबल है कि आप EMI पे ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि लाइक EMI पे ले लेती हूँ, क्योंकि समा मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन मिला था JSpider से कि BCA वालों को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली है, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। देन आई थॉट कि नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इफ़ यू आर वेरी वेल इन योर स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन देन डेफिनेटली विल गेट अ जॉब, और दिस इज़ माई की सक्सेस लाइन, लाइक कि मुझे पता है कि मुझे करना है, आई विल डू इट। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है समहाउ आई कैन कॉम्प्रोमाइज, बट अगर स्किल सेट अच्छा मिल रहा है, फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, फैकल्टी अच्छा मिल रहा है, तो ईजिली अगर मुझे कोई चीज़ आती होगी तो मैं उस जॉब को ले सकती हूँ। तो सबसे पहले एक जेन्युइन सजेशन आप सबके लिए कि अगर आप लोग सोचते हो ना कि यार प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम मिला ज़्यादा मिला, डोंट गो फॉर दैट। इतना ट्रस्ट रखो कि आप कर सकते हो। देखो अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको याद होगा, आप उसमें अच्छा स्किल सेट होगा तो कैसे आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। तो डोंट थिंक टू मच कि नहीं मिलेगा एंड ऑल, ओके। और या वन मोर थिंग जो मैं JSpider में बताना भूल गई, JSpider के इनिशियली आपको एक कार्ड मिलेगा, ठीक है, उस कार्ड का जो एलिजिबिलिटी होगा, आई मीन कि जो यूज़ होगा वो आप साल भर तक यूज़ कर सकते हो। 5 months में आपका कोर्स पूरा हो गया, फिर भी आप साल भर तक JSpider में क्लासेस ले सकते हो, एंड इट्स अ गुड पॉइंट इन द JSpider, कोई आपसे कुछ नहीं बोलेगा, रोज कार्ड स्वाइप करो और क्लास में जाओ, आपको जो क्लास पढ़ना है वो क्लास पढ़ सकते हो, बट इन बैलेंस कि ऐसा नहीं है कि अभी जावा स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रोग्रामिंग शुरू कर लिया और आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, जस्ट गो विद द फ्लो स्टेप बाय स्टेप। बट हाँ, लाइक कोविड वालों का बहुत दिक्कत हुआ था, कोविड में जो क्लासेस थी सब ऑनलाइन चली गई थी तो साल भर चला गया था, बट उन्होंने क्या करा, एक साल और एक्सटेंड कर दिया कोविड वाले स्टूडेंट, तो अभी भी वो जा सकते हैं, जितने भी कोविड वाले होंगे जो कोविड के टाइम पे जिन्होंने एडमिशन लिया तो वो अभी भी JSpider ज्वाइन कर सकते हैं। और ABC में आई डोंट नो कि ये फैक्टर है या नहीं अभी तक, ABC जनरली 3 से 4 कोर्स कराता है, अभी के लिए फिलहाल फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट कोर्स है। देखो कोर्स दोनों में लगभग एक ही है, ABC में टीचर्स भी ठीक है, ज़्यादा बुरे तो नहीं हैं, अच्छे ही हैं, अच्छा पढ़ाया, बट जितना इफेक्टिव मुझे वरुण सर और शिशिरा सर का लगाना JSpider में, यू कैंट इमेजिन कि कोई बंदा इस लॉजिक को इसमें ऐसे कैसे समझा सकता है कि आप इजीली जावा समझ सकते हो। ऑलरेडी जावा पढ़ी हुई बट फिर भी यहाँ की जो जावा के कॉन्सेप्ट है ना वो इतने स्मूद हैं कि एक बार अगर आप शिशिरा सर का क्लास ले लो या वरुण सर का स्किल क्लास ले लो ना, तो मैं सोचोगे कि कितना इजी था, और 3-4 साल के ग्रेजुएशन में हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये मैं आप सोचती हूँ काश मैंने थोड़ा सा और मेहनत कर लिया तो शायद अच्छी जॉब होती, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे एक मौका मिला कि मैं इनकी क्लासेस अटेंड करूँ।
तो फॉर माय जेन्युइन रिव्यूज जो यही है ना, वो शिशिरा सर और वरुण सर, दे बोथ आर बेस्ट, क्योंकि अभी तक सिर्फ उन्हीं की क्लास ली हूँ। शंभू सर एप्टी भी बढ़ाते हैं, प्लस फिर है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है, रघु सर बढ़ाते हैं, वो सब भी है, और सेम कोर्स एबीसी में भी है। बट जो इफ़ेक्ट होता है ना बच्चों को, मतलब काफ़ी अच्छे से एकदम से अट्रैक्ट करना, समझाना, वो जिस स्पाइडर में मुझे ज़्यादा लगा। और बेसिक टेक्नोलॉजी की बात करूँ, ज़्यादा कुछ अच्छा उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट फॉर 5 मिनट्स इंट्रो एंड दे जस्ट फिनिश एवरीथिंग इन विद इन 5 मिनट्स। कि कोर्स का फीस है 49,000 समथिंग, 49,950 समथिंग का कोर्स है, ओवरऑल 50 ही मान लो। देन क्लासेज जो होंगी वो वीकेंड वाइज लगेंगी, सैटरडे एंड संडे, एंड जो पढ़ाने आएगा वो फैकल्टी आएगा आपका जो रियल टाइम मार्केट पर भी काम कर रहे हैं, और मॉर्निंग का बैच होगा आपका 7 to 9। सो आई डोंट थिंक सो इट्स गुड, अगर आप पढ़ने आ रहे हो तो आपको रेगुलर एक क्लास चाहिए, राइट? रेगुलर क्लास में जो है आपका फ्लो बनता रहता है, बाकी वहाँ का कार्ड का कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं कि आपको साल भर तक का वैलिडेशन मिलेगा। प्लस प्लेसमेंट भी ठीक से ऐसा कुछ खास नहीं मुझे लगा, बट जो प्लेसमेंट है एबीसी और जिस पैटर का, गुड, अच्छा, मतलब उन दोनों के बीच में आप कह सकते हो समहाउ कि ये कॉम्पिटिशन जैसा है कि हाँ प्लेसमेंट दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल कंपनी वहाँ आता है, प्लस देखो क्या है, मॉक टेस्ट भी दोनों करवा रहे हैं, एप्टी भी दोनों करवा रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और क्लासेस भी अच्छी दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो एबीसी और आपका जिस पैटर्न, नेक्स्ट बेसिन टेक्नोलॉजी का थोड़ा छोटा सा है, मतलब एक क्लास में 4-5 बच्चा, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज एवरीथिंग, बट इट्स ओके। सो जस्ट फिर अभी एबीसी हट गया था, एप्ट्रॉन में जा नहीं पाई, सो फिर बचा जे स्पाइडर एंड एबीसी, सॉरी एबीसी नहीं हटा है, एबीसी एंड जे स्पाइडर बच गया था, एप्ट्रॉन और बेसिन टेक्नोलॉजी को मैंने हटा दिया था। नाउ इट्स टाइम टू चूज जे स्पाइडर और एबीसी, लेकिन अगर सब कुछ सेम है, ठीक है, सो अमाउंट के हिसाब से अगर आपको रीजनेबल रेट में या आपको कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है कम रेट में, तो आई शुड कि मुझे चूज़ करना चाहिए जो स्पाइडर, और एबीसी भी ठीक है अगर आप चाहो तो। देखो अगर आप बहुत डेस्परेट हो जॉब के लिए कि लाइक मुझे चाहिए ही चाहिए, तो यू कैन गो फॉर एबीसी, बट उसका फीस बहुत हाई है। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, देखो अगर आप पे स्किल सेट होगा ना, यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, एनी। तो अभी फोकस करो अपने स्किल सेट पे, जिस पैटर्न में बच्चा ज़्यादा है आई कैन अंडरस्टैंड, एबीसी में भी है बट उसके कंपेयर में कम है, जस्ट बिकॉज ना कि जिस पैटर्न का फैकल्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आप समझ नहीं सकते अगर आप शिशिरा सर का क्लास लोगे ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई बंदा इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है। किसी आप कंपनी, किसी इंस्टीट्यूट के आप ओनर हो, पार्टनर हो, और फिर भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो कि उनको देख के लगता नहीं है, उनमें बिल्कुल जीरो ईगो, जीरो एटीट्यूड, एंड ही इज़ वेरी गुड एंड चार्मिंग। वो इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं ना स्टूडेंट्स को कि एग्जैक्टली जैसा टीचर एक बॉन्ड बनाता है ना अपने स्टूडेंट के साथ, वो होल क्लास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो आपका क्वेरी आने वाला होता है वो पहले उसे समझ करके आपका रिजॉल्व कर देते हैं। सो सम हाउ जे स्पाइडर इज़ बेटर देन एबीसी फॉर मी। सो अगेन आई टेलिंग यू कि आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू जॉइन जे स्पाइडर एंड एबीसी एंड ऑल, बट दिस इज माई जेन्युइन रिव्यू रिगार्डिंग द एबीसी एंड जे स्पाइडर। ओके, जे स्पाइडर में मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, सो आई विल अपलोड माई कमिंग वीडियोज रिगार्डिंग कि जे स्पाइडर का प्लेसमेंट एंड जे स्पाइडर का प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम बाई योर साइड कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करो वीडियो सेशन पे। ओके, वीडियो के नीचे कमेंट करो, मुझे पता चले कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है, देन आई कैन ना शॉर्ट सम क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर है, देन आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग द टॉपिक। क्योंकि देखो मुझे इंस्टाग्राम पे आपको भी पता है कि किस किस ने मुझे टेक्स्ट किया है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, चीपेस्ट है, पीजी क्या है, सो कौन कितना अच्छा पढ़ाता है एंड ऑल। तो देखो अगर आप ना कमेंट सेशन में करोगे, जिससे क्या होगा दूसरा का भी अगर सेम क्वेश्चन होगा ना, तो उस वो सेम अपना रिव्यू वहाँ पे लिख सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है शॉर्ट करने में। अदरवाइज इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब दोनों को मिला करके अगर मैं क्वेश्चन, ओ इट्स टू हार्ड फॉर मी ना कि मैं कहाँ से टॉपिक को निकाल के लाऊँ। तो आई जस्ट वॉन्ट कि अगर मैं अगला वीडियो अपलोड भी कर रही हूँ तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा चाहिए, जो टॉपिक आप बोलोगे ना, जो जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को मैं अपलोड करूँगी। क्योंकि आप अभी अगर बैंगलोर पे नहीं हो, और इफ़ यू हैव सम लाइक कि मुझे ये जानना है, बहुत डेस्परेट हो उस चीज़ को जानने के लिए, तो मुझे बताओ। इफ़ इट्स पॉसिबल डेफिनेटली आई विल अपलोड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस, एंड
पीजी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो दे डाला था, अगर नहीं देखा है तो गो एंड देखो कि पीजी क्या है। और बॉयज़ पीजी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी शूट करके डालूंगी। प्लस डेमो क्लासेस रिगार्डिंग द जे स्पाइडर, पर्सनली उसका एक वीडियो मैं बना के आपको शेयर करूंगी कि एग्जैक्टली डेमो में क्या क्या जो था सीक्वेंस चला, कैसे हुआ और मेरा क्लास का एक्सपीरियंस अभी तक क्या कैसा है। ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ABC और जे स्पाइडर को कंपैरिजन करते करते, तो इस वीडियो को इतना ही। और वन मोर थिंग प्लीज़, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है ना या आपका कोई भी क्वेरी सॉल्व होता है तो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो में कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारा स्टफ यहाँ पे अपलोड करूँगी। तो आई होप मैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर रही थी तो यू शुड मोटिवेट माई सेल्फ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग मुझे DM करते हो इंस्टाग्राम में। आई फील सो मोटिवेटेड कि हाँ कोई सुन रहा है, किसी का हेल्प हो रहा है। अगर एक पर्सन का भी हेल्प होता है दैट इज एनफ फॉर मी, और अगर एक से ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छी बात। आई वॉन्ट टू शेयर वन थिंग विद यू कि प्लीज़ आपका जो भी क्वेरी है आप मुझे वो सेंड करो। ओके, आई विल मेक अ Q&A सेशन एज सून एज पॉसिबल। जितना भी आपका क्वेरी होगा आई विल सेलेक्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड विल गिव यू द आंसर वन बाय वन। तो जिससे क्या होगा ना, आपका सारा क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगा और पर्टिकुलर जो है सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो जस्ट कमेंट बिलो कि क्या क्वेश्चन है आपका, किसके रिगार्डिंग है, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन शेयर एनीथिंग रिगार्डिंग बैंगलोर जे स्पाइडर जॉब सीकर ट्रैवलिंग दैट्स ऑल, जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ, जिसमें मुझे नॉलेज है। अगर मुझे देखो किसी चीज़ का अच्छा नॉलेज होगा डेफिनेटली आई कैन गिव यू अ बेटर सॉल्यूशन फॉर दैट। तो कमेंट सेशन में जाओ और करो मुझे कमेंट कि किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए एंड क्या आपका मोस्ट क्वेरी है। सो Q&A सेशन में मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। सो जस्ट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट कि व्हाट इज़ योर क्वेरी एंड व्हाट डू यू वांट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।